ये साथ में हम तीन ती, दो तीन दिन के लिए रहने वाले हैं। खुशी हो रही ना आप सब लोगों को? खुशी हो रही ना? हो रही ना खुशी? तो दोस्तों हमने दिन का खाना खाया प्रीति की दादी के यहाँ और अब खाना खा के हम निकल रहे हैं अपने रिजॉर्ट पे जो हमने अपना होटल बुक करा रखा है। बड़ी मुश्किल से यहाँ पे होटल्स मिले थे हमें क्योंकि एज इन जो ये है लॉन्ग वीकेंड है तो होटल्स बहुत बड़ी मुश्किल से मिल रहे थे, रूम बड़ी मुश्किल से मिला हमें। तो अब यहाँ से हम निकलेंगे, हमने रिजॉर्ट में थोड़ा रेस्ट करेंगे, ऑफिस के बाद निकलेंगे शाम को घूमने के लिए। देखो सारे के सारे पीछे आ रहे हैं मेरे। बाय और मजा आ रहा है? हाँ, मजा आ रहा है। तुम्हारे बनाने तुम्हारी शक्ल दिखते हैं पूरे ब्लॉग में, मेरी शक्ल दिखती है तो चैनल मेरा ना। तो दोस्तों हम रास्ते पे रुके हैं, यहाँ पे ये हैंडपम्प है और इसका जो पानी है ऊपर से काफी पहाड़ों के कंधारों से रिश्ता हुआ आता है तो थोड़ा जड़ी बूटियों का पानी कहते हैं इसको। ठंडा पानी एकदम भरता है बिल्कुल, जोर लगा रही है प्रीति। प्रीति बहुत जोर लगा रही है पंप में। बोतल नीचे रख दो ना। Few moments later. बस अब लगा। अरे थोड़ा और चलाओ ना जल्दी। काबू नहीं कर सकता। और जो लगाओ। अच्छा 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 काबू नहीं कर सकता। गया और जो लगाओ। और जो तो पेट पूजा के बाद अब गाड़ी की पेट पूजा कराते हैं क्योंकि गाड़ी का पेट हो गया खाली और बढ़ाते हैं तेल। कितने का भराना है? पेट्रोल भैया कितना? कार्ड हो जाएगा? हो जाएगा ना कार्ड? कर दो फुल कर दो फिर। क्या चल रहा रेट यहाँ पे? 96। चलो भर दो। क्या नाम भाई आपका? दीपक। दीपक भाई हमारी गाड़ी का पेट्रोल भर रहे हैं। जगला पान चल्ला पान चल्ला पान है भैया, चल्ला पान का पेट्रोल पंप है। तो दीपक भाई हमारा पेट्रोल भर रहे हैं। दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं हम अपने रिजॉर्ट में और रिजॉर्ट का नाम है, क्या नाम है रिजॉर्ट का? मुमुक्षु नाम है भाई, मुमुक्षु। बड़ा कठिन रिजॉर्ट करा, बोलने में भी दांत कड़कड़ा रहे हैं। नाम पूछ रहा हूँ आप दांत क्यों चबा रहे हैं? कठिन नाम है, कड़क है। और गाड़ी उतारने में भी कड़कड़ा रहे हैं। रास्ता दोस्तों थोड़ा सा भयंकर है नीचे रोड से गाड़ी उतारने के लिए, पर सेफली गाड़ी नीचे आ गई है सारी की सारी, दोनों की दोनों हमारी, और हम सब जा रहे हैं रिजॉर्ट में। और ये रिजॉर्ट के अंदर जा रहे हैं तो थोड़ा सा रेस्ट करेंगे उसके बाद निकलते हैं घूमने के लिए और फिर आपको ले चलते हैं ऊपर। दोस्तों ये रिसेप्शन एरिया, जरा पता करते हैं हमारे रूम कहाँ पे है और फिर कमरे वमरे चेक करते हैं जरा अपने। काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ से, ये है रिसेप्शन और यहाँ से व्यू देखोगे व्यू कितना बढ़िया है।
पहले रूम देख ला पर और तब जाके पर सामान धर ला। यू जी भेजिए क्या नाम से भेजिए वो सौकार सिंह रावत जी जो यार धरता जी करता 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 धरता जो तुम अच्छा हम जो बेस्ट तो दोस्तों चलते हैं अपने कॉटेज में। तो दोस्तों आप कराते हैं रूम टूर और ये है हमारा रूम जहाँ पे एक डबल बेड है और यहाँ पे बगल में बैठने के लिए सोफा दे रखा है, बीच में सेंटर टेबल है और ये है यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल तैयार होने के लिए। ड्रेसिंग टेबल यहाँ पे तैयार होने के लिए और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो वॉशरूम भी काफ़ी साफ दिख रहा है। लाइट जलाते हैं, जल रही है, यस साफ़ सफाई करके रखी हुई है। और ये है बाथिंग एरिया, ये भी काफ़ी साफ रखा है। मिरर है यहाँ पे तैयार होने के लिए, टॉवल्स हैं साफ़ सुथरे, गीज़र भी लगा रखा है, अगर ठंडा पानी तो खैर आ ही रहा है, यहाँ पे ठंडा काफ़ी हो रखा है। और हमने छोटा सा ही रूम लिया है क्योंकि हमें सिर्फ एक रात रुकना है, फिर अगली रात हम कहीं और जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल के जो रूम है काफ़ी सही लग रहा है मुझे, बेड कम्फर्टेबल है और एक रात सोने के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो दोस्तों ये है हमारा रूम। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए और बताइए आपको रूम कैसा लगा। खिला रहा है, मतलब खिला रहा है, घुमा रहा है। तो दोस्तों ऐसे ही रूम है हमारे, तीनों के तीनों तीन रूम लिए हमने अगल बगल में ही है। एक रूम ये है 106, एक रूम ये है 105 और एक रूम ये है 104। तो हम तीनों के रूम आसपास में अगल बगल में ही है और सारे रूम एक जैसे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है किसी का रूम अच्छा है गंदा है, तो तीनों रूम ऐसे ही हैं और तीनों रूम अच्छे हैं। कंफर्टेबल है, बेडिंग और साफ सफाई रखी है इन्होंने जो कि होनी चाहिए, दैट्स गुड। देखते हैं हॉस्पिटैलिटी कैसी है। अभी फिलहाल रूम देखा है, रूम बहुत अच्छा है और व्यू यहाँ से बहुत ही प्यारा है जिसका सुबह का हम इंतजार कर रहे हैं। सुबह बहुत अच्छा व्यू होने वाला है, यहाँ से आपको भी दिखाएंगे। तो थोड़ा रेस्ट करते हैं, काफ़ी थक गए हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों सामान हमने कर दिया सेट अपने रूम में और बच्चों का चल रहा है खेल। देखो यहाँ पे इनका गार्डन है और अभियान यहाँ पे खेल रहा है। क्या खेल रहे हो आप? ये दोनों अभियान और रुद्र खेल रहे हैं डंप ट्रक से। देखो यहाँ पे खुदाई कर रहे हैं, यहाँ पे ये डंप ट्रक से खुदाई कर रहे हैं और यहाँ पे देखो डाल रहे हैं, क्रेन से खुदाई करके डंप ट्रक में डाल रहे हैं ये। और जब यहाँ पे बादल छट जाएंगे, ये देखो यहाँ से व्यू ऐसा है, और जब बादल छट जाएंगे तो हमें ये दिखाई देगा। यहाँ पे स्वर्गा रोहिणी है, जौनील है, उसके बाद गंगोत्री ग्रुप है और चौखंबा है, नीलकंठ है, उसके बाद आपका हाथी पर्वत है, उसके बाद त्रिशूल है। तो ये सारे पर्वत आपको दिखेंगे अगर यहाँ पे मौसम ठीक हुआ तो, नहीं तो अगर ऐसे ही बादल रहे तो आपको मुश्किल है हम कुछ दिखा पाएंगे। पर इस बादल के साथ भी जो मौसम है एकदम मौसम हो रखा है। 346 minutes later। तो दोस्तों सुबह से बहुत थके हुए थे और अभी नहा धो के फ्रेश होके एकदम तरोताज़ा हो गए और अब जाएंगे घूमने के लिए। 5 बज चुके हैं तो जल्दी घूमने जाएंगे, जल्दी वापस आएंगे, अंधेरा जल्दी रहता है पहाड़ों में। तो ये है दोस्तों हमारा रिजॉर्ट, काफ़ी अच्छी जगह पे इन्होंने बनाकर, लोकेशन बहुत प्यारी है। तो हमारे रूम यहाँ पे हैं, कॉटेज है हमारे और ये है पीछे हमारे व्यू। बादल छा रखे हैं और सामने भी बादल छा रखे हैं, हमें अभी दिख नहीं रही हिमालयन रेंज, जल्दी दिखेगी हमें हिमालयन रेंज। और मौसम बहुत औसम हो रखा है, काफ़ी लोग आ रखे हैं यहाँ पे, फुल हो रखा है। हम भी जब बुक करा रहे थे तो हार्डली हमें रूम्स मिल रहे थे, काफ़ी मशक्क़त के बाद हमें यहाँ पे कॉटेज मिले और रूम्स मिले, रूम्स अवेलेबल हुए हैं। तो आज हम यहाँ रुकेंगे और फिर कल हम आपको कहीं और लेके चलेंगे। तो काफ़ी सबके सब तैयार हो रहे हैं, फ्रेश हो रहे हैं, मैं हो चुका हूँ फ्रेश और काफ़ी अच्छा झूला है जहाँ पर मैं बैठा हूँ, आनंद आ रहा है झूला झूलने में। अभी सुमन को भी झूला झुलाते हैं थोड़ी देर में, बहुत ही आनंद आ रहा है। और सामने जो व्यू है उसे देखते और भी मज़ा आ रहा है। तो ये देखो मेरे पीछे है ये अखरोट का पेड़, अखरोट लगे भी हुए हैं इसमें। थोड़ो नहीं अखरोट, अखरोट तोड़ो, दोस्तों अखरोट का पेड़ है और ये अखरोट का पेड़ एक ये है और एक अखरोट का पेड़ नीचे भी, उसमें भी अखरोट लगे हुए हैं और कुछ लिम्बे के पेड़ भी हैं प्लस ये आई डोंट नो कुछ का पेड़ है। हाँ बेटा
और वो अखरोट है बेटा। अखरोट है? अखरोट 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 वॉलनट 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 का पेड़ है। अब सब लोग आप मस्त होंगे स्वस्थ होंगे तो कैसे आप सभी लोग स्वागत है पारी फिल्टर में। और दोस्तों जैसे कि आपको पता है पिछली आज हमने खुदाई करी थी नकली वाली और खेला था खूब मस्ती में और वैसे भी हम बहुत दूर आ चुके अपने घर से। तो रुको जरा सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। मुझे यहाँ पे चोट भी लग चुकी है। ओ अब क्या प्लान है आपका आज का? आज का प्लान है कि हम जाएंगे हम कैफे पे जाएंगे। हाँ कैफे घूमने जाएंगे। तो और दोस्तों आज हम ये रिजॉर्ट में हम दो तीन दिन के लिए रहने वाले हैं। खुशी हो रही है ना आप सब लोगों को? खुशी हो रही है ना? हो रही है ना खुशी? हो रही है ना खुशी? खुशी हो रही है ना? ऐसी तो मजा है झूला झूलने में। उसका तो वैसा मसूल हो। ऐसी तो मजा है झूला झूलने के मैं। चलो आइस क्रश करो, पापा को बोलो पापा भी आ जाओ। पापा आ जाओ आइस क्रश करके। पापा आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे हम रोलर कोस्टर पे घूम रहे हैं? ऐसा लग रहा है? हाँ हाँ ये गिरने वाले हम गिर गिर गिर। दोस्तों हम जा रहे हैं टिका रोड। आई डोंट नो व्हाट इज ऑल अबाउट सनसेट पॉइंट। वहाँ का सनसेट पॉइंट बहुत अच्छा है एज पर रावत। इट्स अ रियली गुड सनसेट पॉइंट। तो अभी देख के आते हैं क्योंकि अभी सनसेट नहीं हुआ है, बादलों के पीछे छुपा हुआ है ऊपर, तो हमें खोद के निकालना है उसे और आपको दिखाएंगे हम सनसेट व्यू। आ रहे हैं सारे के सारे पीछे हमारे, तो बाकी हमारे साथ सारे आ रहे हैं और ये राधी। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं यहाँ टेका रोड, और टेका रोड में यहाँ पे है पीछे कैफे, और आपको दिखाता हूँ एक बेहतरीन व्यू जहाँ हम पहुंचे। ये तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आप देखिए बेहतरीन व्यू। और भी कैफे में बैठ कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है कैफे बैठ के? बारी बारी मजा आ रहा है। और कैफे के बाहर व्यू देखो दोस्तों कितना मस्त हो रहा है। पापा आ जाओ आओ जी का भी
दोस्तों हमारी चाय, मोमोज और ये है थुप्पा, सूखा थुप्पा, ड्राई थुप्पा, हिंदी में नहीं बोल सकते हम सूखा थुप्पा। चेयर ले लो आप, और ये है वेज, एक वो ले लेना इसके स्लाइस, ये है सूखा थुप्पा, ये हमारी चाय और हमारे चिकन मोमोज, चौमिन नहीं है बेटा, वो थुप्पा है। किबर्स गाँव जाएंगे हम फिर ढूंढने, किबर्स वाले आ रहे हैं। थुप्पा थुप्पा खाओ, थुप्पा थुप्पा। कैसा हो रहा है कैफे पार्टी? अच्छी लग रही है। हो गया है हमारा ब्रंच, ब्रंच नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे थे? इवनिंग स्नैक्स खा लिए हमने और अब निकल रहे हैं हम थोड़ा घूमने के लिए पौड़ी की तरफ और फिर निकलेंगे अपने होटल पे। तो आपको बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आ रहा है। दुकान दिखाओ हमारी, चाची की दुकान में। चाची नमस्कार। नमस्ते, ठीक ठाक? मैं ड्राइवर छो, दिल्ली बड़े ड्राइवर छो, मैं वीडियो बना रहे हो? हाँ, दिल्ली बड़े ड्राइवर छो, मैं गरम पैटी। अरे उनकी जरा गरम नहीं है, ताला लगा दिया। मेरा पेट भरा हुआ ठंडी है, बट थोड़ा ये गलाई ऊपर वो नीचे है, उनका वो ना ताला लगा दिया उन्होंने गरम करने का। ठीक है बोला, अब यान लो पैटी। पैटी क्या चाहिए? टेस्टी होती है, टेस्ट करो। गोबर खा ले तुम, कहाँ जा रहे हो बार बार? गोबर खा ले। अब कहाँ जा रहे हो? ये ले। तो बैक टू रिजॉर्ट और जा रहा है रावत सामान लेके, हम भी अपने रूम पे चलते हैं। दोस्तों रात का प्रोग्राम चालू हो चुका है डिनर का और यहाँ पे चल रही है नाइट वॉक और ये सॉल में आ गई है, यहीं की रहने वाली पौड़ी की लड़की। पौड़ी की लड़की सॉल में आ गई है और ये घूम रहे हैं दिल्ली के देसी टी शर्ट में। ये पौड़ी तीनों निहाल थे, देखो तुम पौड़ी थे, लोगों तो ठंड लगनी था। मिस्टर थापा कोडिंग ले लो भाई, थापा कोडिंग ले लो, थापा का ब्रांड नहीं है, ड्यू तो ला रखा हूँ। Fire, knowing we couldn't aim higher, but we did.
something to hold on to, gotta find it first. But here I am.